दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने घर बैठे अपना नाम वोटर कार्ड लिस्ट में कैसे ऐड करवा सकते हैं। तो यदि आपकी एज 18 हो चुकी है और आप अपने वोट का मतदान करना चाहते हैं आने वाले किसी भी चुनाव में, तो आपको सबसे पहले अपना नाम जो है वोटर कार्ड लिस्ट में ऐड करवाना होता है। और जैसे ही आपका नाम वोटर कार्ड लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है तो आपके पास जो है आपका वोटर आईडी कार्ड भी घर पर सेंड कर दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सब कुछ जानेंगे। तो मैं हूं दामू, आप देख रहे हैं थेरेपिस्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन जो कि ऑफिशियल ऐप है गवर्नमेंट का, उसको डाउनलोड और इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लोगो इस तरह का है। तो आपने इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। जैसे आप ओपन करते हैं इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अब आपने सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉग इन करना है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप न्यू यूज़र करके अकाउंट बनाएंगे, अदरवाइज आप इसको स्किप लॉग इन भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर लॉग इन हो जाएंगे एप्लीकेशन में। अब आपने सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म पर क्लिक करना होगा। जैसे आप फॉर्म पर क्लिक करते हैं, अब आपको यहां पर अप्लाई ऑनलाइन और ब्रैकेट में न्यू लिख रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। अब आपको यहां पर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है अपना नाम ऐड करवाने के लिए। तो सबसे पहले आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपने यहां पर जो आपकी प्रोसेस है वो 6 स्टेप में होने वाली है, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहली प्रोसेस में आपने यहाँ पर अपना जो है एड्रेस फिल करना होता है, मतलब कि आपने सबसे पहले स्टेट डालनी है। कोई भी आपकी स्टेट हो सकती है एक्स वाई जेड, जैसे कि मेरी है उत्तराखंड। अब आपने यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मेरा नैनीताल। अब आपने यहाँ से अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका सिटी है। देन उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अब आपने एप्लीकेंट का नाम, सरनेम और मतलब कि डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें जो है वो डाल देनी है जिसका आप बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें मतलब कि ऐड करना चाहते हैं वोटर कार्ड लिस्ट में, नाम कुछ इस तरह से ऐड कर देना है, उसका जेंडर सेलेक्ट करना है और इस चेकबॉक्स पर क्लिक करके आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अब आपने उसका एड्रेस जो है वो डालना होगा दूसरे वाले सेक्शन में। तो यहाँ से हाउस नंबर और कॉलोनी का नेम और पूरा जो है कंप्लीट एड्रेस और विलेज कुछ इस तरह से डाल देना है। देन आपने यहाँ पर जो कब से आप इस एड्रेस पर रह रहे हो उसको डालना है। तो अगर आप जन्म से रह रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ, अदरवाइज आप डेट भी डाल सकते हैं। अब परमानेंट एड्रेस भी अगर आपका सेम है तो आप यहां से उसको मतलब कि फिल कर सकते हैं। अगर सेम है तो आप इस चेक पर क्लिक कर देंगे, वो ऑटोमेटिक जो है आ जाएगा इसके नीचे। देन आपने यहां पर नीचे जो है नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब आपने अपना रिलेशन डालना है, फैमिली में किसका नाम चाहते हैं आप, जैसे कि मोम का या डैड का, तो आप जिसका भी नाम चाहते हैं उसका नाम एंटर करें कुछ इस तरह से। उसके बाद रिलेशन क्या है, जैसे कि आपके फादर का नाम मेंशन किया है या फिर मदर का, जैसे मैंने मदर के किया है। उसके बाद आपके पास अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो आप उसको चूज कर सकते हैं, नहीं है तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपने यहां से अपना एक मतलब कि फोटोग्राफ डालना है, एज प्रूफ डालना है और यहां से एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट देना है। तो यहां से ये चीज करेंगे, सबसे पहले हम जो है वो फोटो डाल देते हैं। तो फोटो जहां आप चाहे तो कैप्चर भी कर सकते हैं, चाहे तो गैलरी से ले सकते हैं। जैसे कि हमारी गैलरी में पड़ी है ये फोटो, हम इसको यहां से क्रॉप्ड कर लेंगे। तो आप भी इस तरह से क्रॉप्ड करेंगे और देन क्रॉप पर क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे तो अपलोड हो चुकी है। अब एज प्रूफ में आप यहां से कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, ट्रांसफर से और पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, तो आप चाहे तो कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैं आधार कार्ड जो अपलोड करने वाला हूं, देन आपने यहां पर क्लिक करना है और अपनी गैलरी या कैमरे से जो है आधार कार्ड यहां से जैसे मैंने ले लिया है, इसको क्रॉप करके यहां से आपने इसको अपलोड कर देना, ये अपलोड हो चुका है। देन आपने एड्रेस प्रूफ में जो डॉक्यूमेंट है आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। यहां पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जैसे राशन कार्ड, इनकम टैक्स और क्या है वोटर बिल, टेलीफोन बिल, आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस भी है, तो मैं यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के यहाँ से अपनी गैलरी से उसको अपलोड कर देता हूँ। तो ये रहा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस जिसका मैं बना रहा हूँ। उसके बाद आपने इसको चूज करना है क्रॉप करके, आपने क्रॉप पर क्लिक कर देना है। तो ये भी हमारा अपलोड हो चुका है। अगर आपकी एज 21 होगी तो आपको डिक्लेरेशन भी यहाँ सर भरना पड़ता है, वो भी यहीं पर मिल जाता है, डाउनलोड करके उसको अपलोड करें, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपने लास्ट में जो हमारी छठवीं प्रोसेस है 5 हो गई हैं, तो यहाँ से आपने जो है अपना एड्रेस देना होता है ताकि वो आपका VLO जो है उसको वेरीफाई कर सके। तो आपने इधर सबसे पहले अपनी स्टेट डालनी होगी, फिर उसके बाद आपने अपना जिला डालना होगा जो भी आपका जिला है। देन आपने अपने विलेज का नाम जो कि आपका विलेज पड़ता
पता है, पंचायत जो भी होता है, उसके बाद इस चेकबॉक्स पर क्लिक करें। देन आपने नीचे करना है और ये जो है आपका एक तरह से डिक्लेरेशन है। आप यहाँ से डिक्लेयर करें कि जो मैंने जानकारी दी है वो सही है, तो आप इस चेक पर क्लिक करेंगे। देन आपने अपनी सिटी का नाम, जो भी आपकी सिटी का नाम है, उसको यहाँ से फिल कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप डन पर क्लिक करते हैं, आपका फॉर्म जो है भर गया है। अब आप यहाँ से इसको एक बार क्रॉस चेक करेंगे जो भी आपने डिटेल दी हैं, और आपकी डिटेल एकदम अगर सही हैं, जैसे जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं वो भी यहाँ पर सही आते हैं, आप इनको एक बार क्रॉस चेक कर लें, सही हैं, तो आप नीचे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करते हैं, आपका यहाँ से देखिए बोल रहा है थैंक यू, आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है इतनी डेट को, और यहाँ से रेफरेंस नंबर भी दे दिया गया जिसके जरिए आप जो है स्टेटस चेक कर सकते हो। तो ओके पर क्लिक करें। आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो एक्सप्लोर पर क्लिक करें। यहाँ पर आता है स्टेट ऑफ एप्लीकेशन, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। देन यहाँ पर आपको जो है रेफरेंस आईडी मिल जाती है जो आपने बनाया है, या फिर आप मैनुअली भी यहाँ पर सर्च कर सकते हो, लेकिन हमारा यहीं पर आ रहा है तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको देख लेता हूँ। तो अभी देखिए राइट टिक जो आ रहा है सबमिटेड में आ रहा है, उसके बाद BLO अपॉइंट किया जाएगा, देन फील्ड वेरिफिकेशन होगा, और आपका ये जो है एक्सेप्ट हो जाता है तो आपका नाम जो है वोटर कार्ड लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, और फिर आपका वोटर कार्ड भी सेंड कर दिया जाएगा आपके एड्रेस पर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ और उन लोगों के साथ जो कि 18 साल के हो चुके हैं और अपना नाम जो है वोटर कार्ड लिस्ट में ऐड करवाना चाहते हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर करना। और आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सबसे इम्पोर्टेंट आप अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें, स्वच्छ भारत बनाएं। जय हिंद, जय भारत।